कल रात वाकई पवन अरुण ने कनाडा में धमाल मचाकर रख दिया, मंच हिलाकर रख दिया और इसकी वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे इन्होंने कनाडा में चंद घंटों में जनता को अपना दीवाना बना दिया, हर किसी को नाचने पर मजबूर कर दिया, तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। आप ऐसे समझें कि लोगों के हाथ और मुंह रुक ही नहीं रहते, लगातार लोग तालियां बजाते रहे और गाने गुनगुनाते रहे, पूरा मौसम बदल दिया। कनाडा से जो वीडियो सामने आई है उसमें पवन अरुण की परफॉर्मेंस से खुश जनता का जोश देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां के लोगों ने कल रात कितना एंजॉय किया होगा और कितने लोग पवन अरुण के टैलेंट के कायल हो गए होंगे। जो वीडियो सामने आई है उसमें लाल साड़ी काली बिंदी लगाए अरुणिता ने मंच पर धमाल मचा दिया। मंच पर गाती दिख रही है अरुणिता और हर तरफ लोग अरुदीप अरुदीप चिल्ला रहे हैं। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि पवन इतनी भीड़ में अरुणिता का हाथ थामे रहे, उन्होंने अपनी अरु को एक पल भी अकेले नहीं छोड़ा। जी हाँ, जब अरु मंच पर थी तो पवन देख रहे थे कि जनता उनके गानों को खूब एंजॉय कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी सीट छोड़कर मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अरु के पीछे बहुत देर तक खड़े रहे पवन और वहां से अरु का ख्याल रखते रहे। जब तक अरु की परफॉर्मेंस खत्म नहीं हो गई तब तक अरु के पीछे खड़े रहे पवन और वहीं से वो गाना गाते रहे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पवन अरु के पीछे खड़े होकर गाना गाने में मस्त हैं। वो तेज आवाज में गाना गा रहे हैं। वाकई में पवन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अरु अकेली नहीं है और उनके होते हुए तो वो बिल्कुल भी अकेली नहीं रह सकती। वो इससे पहले लंदन वाले इवेंट में भी अरु का ऐसा ही ख्याल रखते नजर आए थे। कल इस वीडियो को लेकर आप एक कॉमेंट तो कर ही सकते हैं। एक बार फिर वहां से इनके लिंकअप की खबरें सामने आएंगी जिसकी वजह से फिर से पवन अरु को ट्रोलर्स का शिकार भी होना पड़ेगा और ना जाने ये कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, कैसे ट्रोलर्स से बचा पाएंगे, ऐसे वैसे कमेंटेटर से बचा पाएंगे। इंडियन आइडल के मंच पर लोगों ने इन्हें जोड़ने में कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कहीं फिर से ऐसा ना हो और फिर से पवन अरु को खुद सबके सामने आकर जवाब देना पड़े। वैसे भी पवन अरु पहले भी जवाब दे चुके हैं और अब भी कहीं इन्होंने अपने आप को दोस्त बनाया तो ना जाने क्या होने वाला है। अब देखना होगा कि इस बार पवन अरु अपना क्या रिश्ता बताते हैं और क्या सफाई देते हैं, क्योंकि लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि ये दोस्त हैं। आपको बता दें, कई बार शो के मेकर्स अरुणिता और पवनदीप के रोमांटिक एंगल दिखाने के कारण सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। वहीं पवनदीप भी कई बार इंटरव्यू में अरुणिता के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं। पवनदीप ने कई बार कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं। पवनदीप ने कहा था कि सच कहूं तो हम सभी एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिता चुके हैं कि हमें अब अलग किया ही नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी के साथ होता है, खास तौर पर जब आपकी दोस्ती को अलग नजरों से देखा जाए या कुछ और समझा जाए। मेरा मानना है कि लोगों को खुद ही सब समझ आ जाएगा। मैंने उन पर सब छोड़ दिया है, पवनदीप ने आगे कहा। हम सभी बहुत यंग हैं और फिलहाल हमें अपने करियर पर फोकस करना है। ये चीजें अभी इंतजार कर सकती हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती तब तक बनी रहेगी जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते। पवन अरु के पब की एक वीडियो सामने आ गई है। कल रात इन्होंने गुरुग्राम के एक पब में क्या क्या मस्ती की, पवन के साथ पब में कैसे टाइम स्पेंड किया अरुणिता ने, उसकी वीडियो आप खुद देखिए और बताइए आपको अरुणिता का ये बदला अंदाज कैसा लगा। पहली बार अरु को डांस करने में मदहोश देखा गया। वीडियो में पहली बार देखा जा रहा है कि अरुणिता के आसपास वाइन की बॉटल्स रखी हैं, ग्लास रखे हैं और अरुणिता पवन उसी टेबल पर अपना खाना पीना रखकर खा रहे हैं, बैठे हैं। अरुणिता भी इस पब में पवन के साथ हॉट ड्रेस पहनकर पहुंची थी। अरु ने जब पब में गाना शुरू किया तो लोगों की नजरें अरु पर से हट ही नहीं रही थी। हालांकि लोग इनकी वहीं तारीफ करने लगे, पवन अरु के लिए तालियां बजने लगी, पूरा पब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। जो लोग नशे में थे उनका नशा भी उतर गया जब अरुणिता की आवाज सुनी। कुछ लोग तो नशे की हालत में अरु से हाथ फिलाने पहुंच गए थे। हालांकि पवन अरु के साथ इनके टीम के दो शख्स भी शामिल थे, लेकिन पब में कुछ लोग इस कदर नशे में धुत थे कि पवन ने वहां से निकलना ही ठीक समझा। कुछ देर तक इन्होंने गाना गाया और जो कुछ इन्हें खाना पीना था इन्होंने खाया पिया और फिर जल्दी यहां से निकल गए। पब से अरु का हाथ पकड़कर पवन ही निकले। उन्होंने अरु को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा। इनकी खूबसूरत फोटो ने लोगों को कमेंट करने पर भी मजबूर कर दिया।
तो अगर अब तक आपने इन्हें कमेंट नहीं किया तो कम से कम इनकी तारीफ तो कर ही सकते हैं। 28 नवंबर को पवन अरुणिता का लंदन में इवेंट होने वाला था, जो किसी वजह के चलते पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये इवेंट अगली साल यानी एक महीने बाद होने वाला है। लेकिन इनके फिर से कनाडा जाने की खबर सामने आ गई है। कनाडा जा नहीं रहे हैं बल्कि कनाडा जाने के लिए टिकट भी बुक हो चुकी है और ये निकल ही रहे हैं। आप जानना चाह रहे होंगे कि ये सब कब हुआ, कब कनाडा जा रहे हैं, अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला। तो फैंस, हम आपको बता दें कि एक दिन बाद यानी कल के बाद वेडनेसडे को ये सब कनाडा के लिए निकल रहे हैं। कनाडा में इनका बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और काफी दिन तक चलने वाला है। क्या कुछ होने वाला है उसकी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर आप भी पवन अरु के फैन और वाकई में इनसे जुड़ी हर खबर जानना चाहते तो उनकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कम से कम उन्हें ऑल द बेस्ट तो बोल ही सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि वेडनेसडे पर इनकी कनाडा की फ्लाइट की खबर कितनी सच है। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में अरुणिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फनी वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो साइली और एक शख्स के साथ रोड पर बुरी तरह नाच रही थी, खूब मस्ती कर रही थी। लोगों ने एक तरफ उनकी तारीफ की और दूसरी तरफ उनके कनाडा टूर की बात भी पूछी। इस वीडियो पर अरुणिता का तो जवाब नहीं आया, लेकिन मोहम्मद दानिश ने जरूर जवाब दिया। मोहम्मद दानिश ने खुद बता दिया कि वो वेडनेसडे को कनाडा ट्रिप को निकल रहे हैं और खूब मस्ती करने वाले हैं, फैंस का खूब एंटरटेनमेंट भी करने वाले हैं। तो आप भी अगर इनके इस नए इवेंट को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट जरूर करें। अरुदेव के दूसरे नए गाने की लॉन्चिंग की तैयारियां हो चुकी हैं। किसी भी वक्त इनका दूसरा गाना लॉन्च हो सकता है। राज सुरानी के स्टूडियो में अरुदेव का ये दूसरा गाना लॉन्च हो रहा है। इससे पहले मंजूर दिल लॉन्च हुआ था और अब राज सुरानी के स्टूडियो से ही इनका ये नया गाना लॉन्च होने वाला है, जिसकी जानकारी और गाने से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है। दरअसल कल पवन अरु दोनों राज सुरानी के स्टूडियो में गए थे और यहाँ इन्होंने खूब मस्ती की, जिसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। विना और अरुणिता के पवन दोस्तों के साथ मस्ती करते दिखाई दिए। वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप, दानिश और टीम के दो शख्स और भी मौजूद हैं, जो गाना गाते नजर आ रहे हैं और पवन इनकी गाने में मदद कर रहे हैं, ये वीडियो भी बना रहे हैं। पवन गाने के साथ हुडिंग भी कर रहे हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन वाकई देखने लायक है। पवन को बहुत कम ऐसे मस्ती भरे अंदाज में देखा जाता है। वो कभी गाने को तेज आवाज में गाते हैं तो कभी रुक जाते हैं और रुक रुक कर वो गाना गा रहे हैं, जिस पर दानिश को भी हंसी आती है और ये सब खूब मौज मस्ती करते हैं। हालांकि इनके साथ अरु नजर नहीं आई क्योंकि वो स्टूडियो के अंदर तैयार होने में लगी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले नए गाने में अरुणिता लाल लहंगे में नजर आएंगी और इनका लुक एकदम अलग होगा। वेल, हम सबको अरुदीप के इस नए गाने का इंतजार हो रहा है, तो आप भी अरुदीप को लेकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।